Hello friend, welcome to my channel Aviation Dreamers, and here is Paresh, your friends. And आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो लोग एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, जो लोग एविएशन में जॉब करना चाहते हैं. जो आज वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जो लोग एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं एंड जो लोग एविएशन जिसका ड्रीम है. बेसिकली हम लोग एविएशन मींस अगर एयरलाइंस के बारे में सोचते हैं तो हम लोग दे फर्स्ट हम लोगों को दिमाग में आते हैं केबिन क्रू, एयर होस्टेस, इन लोगों का बाद हम लोगों के दिमाग में आता है. सो डेफिनेटली इट्स नॉर्मल टू थिंक अबाउट दैट बिकॉज एविएशन इज अ पैशन इंडस्ट्री. सो बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग आते हैं ये चीज़ देख के, लेकिन क्या एविएशन में बस वही केबिन क्रू का ही जॉब लगता है? नहीं, केबिन क्रू तो किसी किसी का कुछ ड्रीम्स होता है एंड किसी किसी का ड्रीम्स होता है कि केबिन क्रू में जाना, बट फर्स्ट टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ही इश्यूज है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत पुअर है. मीन्स यस, इंडिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं इंग्लिश में, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब लोग कर पाते हैं. मीन्स आधा से ज़्यादा लोग जो है, मुझे जितना पता है कि वो लोग एटलीस्ट 20% 30% हार्डली होगा तो 50%, बट 100% कोई भी ऐसे नहीं बोल पाएगा कि मैं 100% इंग्लिश में बात कर सकता हूँ विदाउट एनी एरर. सो कैसे होता है? बेसिकली आपको अगर इंग्लिश सीखना है, बेसिकली मैंने जैसे किया था, आप जिस टाइम एयरपोर्ट में ज्वाइन करोगे, ज्वाइन कर लो, मीन्स ज्वाइन कैसे करोगे आपके अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं रहेगा तो ज्वाइन कैसे करोगे? डेफिनेटली आपका टारगेट, आपके जो ड्रीम, वो बड़ा ड्रीम होना चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ. लेकिन जिस टाइम आप एविएशन में ज्वाइन करना चाहते हो, उस टाइम एटलीस्ट आपके ड्रीम मीन्स द जो एंट्री लेवल होता है उसमें आपको ज्वाइन करना है. और एंट्री लेवल में मीन्स एयरलाइंस लोग इतना सब कुछ चेक नहीं करता है. सो उसमें आप एंट्री लेवल के लिए इंटरव्यू दे दो, फर्स्ट टाइम नहीं होगा, सेकंड टाइम नहीं होगा, थर्ड टाइम नहीं होगा, फिर आप इंटरव्यू क्रॉस कर जाओगे, ठीक है? और कैसे आपको ये एंट्री लेवल का इंटरव्यू मिलेगा वो तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बता भी रहा हूँ हर एक कंपनी के लिए. और मेरा जो एक इंडिया की हर एक एयरलाइंस, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है, इसका इंटरव्यू कहाँ पर आपको मिलता है, इसका तो मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख लीजिए. मैं वो वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा. सो कैसे होता है? बेसिकली आप ऐसे ही अप्लाई कीजिए, करने के की बाद आपका जॉब लग जाएगा. मीन्स जो जो प्रोसेस ये है, बेसिकली इंटरव्यू में जो नॉर्मल क्वेश्चंस करते वही क्वेश्चंस, मीन्स इंटरव्यूअर आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन, मीन्स एविएशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. एक्सेप्शनल, व्हाट डू मीन बाय एविएशन इंडस्ट्री, व्हाट डू मीन बाय एयरक्राफ्ट, व्हाट डू मीन, व्हाई डू वांट टू ज्वाइन एविएशन इंडस्ट्री, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, ये आपको तो पता होना चाहिए. तो उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिए. ज्वाइन करने के बाद एटलीस्ट आप 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस कर लीजिए, देन आपके जो टारगेट है आप डेफिनेटली उस हद तक पहुंच जाओगे आपके टारगेट फुलफिल करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए ये मीन्स इशू होता है कि फर्स्ट आपको जो ज्वाइन करना है कि डोमेस्टिक एयरलाइंस में ज्वाइन करें या इंटरनेशनल एयरलाइंस में ज्वाइन करें, ये भी एक कन्फ्यूजन है. मीन्स मेरा जो टारगेट है कि मीन्स इंटरनेशनल एयरलाइंस या डोमेस्टिक एयरलाइंस के केबिन क्रू में जॉब करना, तो इसमें कैसे होता है? बेसिकली मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप ज्वाइन करते हो इंटरनेशनल एयरलाइंस में ही डायरेक्ट आप ज्वाइन कीजिए, बिकॉज इंटरनेशनल एयरलाइंस में ज़्यादा स्कोप है, डोमेस्टिक एयरलाइंस में स्कोप मीन्स यहाँ पे भी ज़्यादा है लेकिन उस हद तक नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल में है.
बिकॉज आप अगर इंटरनेशनल में ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे एयरलाइंस मिल जाता है। मैं बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम कोलकाता, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोलकाता एयरपोर्ट, बिकॉज कोलकाता एयरपोर्ट में इतने सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं नहीं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, एंड यस दिल्ली IGI टर्मिनल 3 इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया। सो आप लोग IGI टर्मिनल 3 में नियर अबाउट मीन्स अबव 50 इंटरनेशनल एयरलाइंस नाउ इट इज़ मीन्स नाउ इट इज़ अबव 50 एयरलाइंस इंटरनेशनल एयरलाइंस इज लैंडेड इन दिल्ली एयरपोर्ट। सो यहाँ पे बेसिकली आपको फर्स्ट टाइम आप नहीं कर पाओगे कि इंटरनेशनल एयरलाइंस में ज्वाइन करना। पहले आपको ज्वाइन करना है कि कुछ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज होते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बोल देता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में है VWFS, सेलेबी, देन कामबाटा है वहाँ पे, एयर इंडिया सैट्स बहुत अच्छा कंपनी है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो आपके इंटरनेशनल करियर को, आपके इंटरनेशनल ड्रीम्स को आप फुलफिल करने के लिए। और अगर आपके ड्रीम्स है कि आप डोमेस्टिक कोई एयरलाइंस में अगर केबिन क्रू बन जाए तो आपके ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। देन आपको मैं बोलूँगा, आपको जो मैं लिंक प्रोवाइड किया था जो वीडियो में, उसमें वो लिंक फॉलो कीजिए, वॉक इन इंटरव्यू की डेट आपको मिलते जाएगा, फिर आप वॉक इन इंटरव्यू दीजिए, फिर आपको मीन्स वो डोमेस्टिक एयरलाइंस में जॉब मिल जाएगा। एंड डोमेस्टिक एयरलाइंस में जॉब मिलने की बाद फिर आप नियर अबाउट आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर यू कैन ट्राई फॉर द केबिन क्रू। सो यही चीज़ आप लोगों को मैं बोलना चाहता था। मीन्स ये पूरे बात की एक ही सोल्यूशन है कि आपको अगर इंटरनेशनल में करियर करना है तो आप इंटरनेशनल मीन्स द एंट्री लेवल इज ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी। सो यू हैव टू ज्वाइन इन ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी फर्स्ट, एंड देन आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1.5 मंथ यू कैन ट्राई फॉर द इंटरनेशनल एयरलाइंस फॉर डायरेक्ट पेरोल। ओके, एंड अगर आपका डोमेस्टिक में, क्योंकि अभी देखो हम लोगों को जो पता है कि इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तरा एयरलाइंस, ये सारे कंपनीज भी बहुत अच्छे कंपनीज हैं, बहुत अच्छे सैलरीज देते हैं। यस आई एग्री दैट, एंड डेफिनेटली आपको अगर इंडिगो में मिल रहा है, स्पाइसजेट में मिल रहा है, विस्तरा एयरलाइंस में मिल रहा है, देन यू कैन गो अहेड फॉर दैट ऑल्सो। ओके, सो यही चीज मुझे बोलना था कि कभी किसी गलत आदमी के साथ मिलके डीमोटिवेट मत हो जाइए। आपको अगर एविएशन में जॉब चाहिए, एविएशन में करियर बनाना है, तो आप इसके पीछे लगे रहिए, एंड आप डेफिनेटली हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू और यू शुड वर्क इन योर कम्युनिकेशन स्किल, यू शुड वर्क फॉर योर ग्रूमिंग स्किल, लाइक बेसिकली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। ओके, सो ये भी बात है। एंड मैं बाद में और एक मैं वीडियो आप लोगों को बनाने वाला हूँ कि जिसमें कि कुछ लोगों का कुछ कन्फ्यूशन्स होता है कि मैं डार्क हूँ तो मैं एविएशन में ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, मुझे अच्छा दिखने में नहीं लगता, कोई बोलता है कि मैं ज़्यादा वाइट हूँ तो मुझे ही मिलेगा, मैं बहुत हैंडसम हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि एविएशन में डार्क लोगों को जॉब मिलता है, मिलता नहीं है, एंड वाइट लोगों को ज़्यादा मिलता है। ये कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए, एंड मैं कुछ ही दिनों में एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड होप ऑल ऑफ यू एंजॉयिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू कैन गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय वीडियोस, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ माय एविएशन ड्रीमर्स। एंड सो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक बटन, and if you have any query, any suggestion, please comment section. So thank you all, thank you, bye bye.